रिजर्व बैंकिंग। तो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या होता है? पहले हम पढ़े थे कि बैंक के ऊपर रन हो जाता है। रन का मतलब बैंक दौड़ता है। क्यों दौड़ता है बैंक? क्योंकि सारे डिपॉजिटर्स बैंक में पहुंच जाते हैं और कहते हैं जी हमारे पैसे हमें वापस दे दो। और उस वक्त को सारे डिपॉजिटर्स के पैसे यदि बैंक के पास ना हो तो बैंक को मुश्किल पड़ जाता है पैसे वापस लौटाने में। इन सच अ केस जब सारे डिपॉजिटर्स व्हेन दे रीच अ बैंक एंड से प्लीज गिव अस बैक आवर मनी, और बैंक को थोड़ा थोड़ा करके पैसा देना पड़ता है सबको, इट्स कॉल्ड अ रन ऑन द बैंक। एंड दैट हैपन्स मेनी टाइम्स व्हेन बैंक लूजेस इट्स ट्रस्ट विद इट्स डिपॉजिटर्स। मेनी टाइम्स बैंक्स मिक्स विद ईच अदर। बैंक का बिजनेस दूसरा बैंक का बिजनेस तीसरा बैंक, तीसरा बैंक का बिजनेस चौथा बैंक करता है। इसको कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन। और ये जो क्रिएट होता है, ये क्रिएट होने का प्रोसेस जिसको हम जानना आज हम पढ़ेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। तो जब किसी भी बैंक में डिपॉजिट्स आप जमा करते हैं तो क्या होता है, बैंक उस डिपॉजिट को लेके एज अ फंक्शन ऑफ बैंकिंग वो पैसे वो किसी को लोन पर देते हैं। लोन पे देने के बाद में वो पैसे से जो इंटरेस्ट बैंक कमाता है वो बैंक की इनकम हो जाती है। दैट्स व्हाट बैंक क्लासिफाइज एज इट्स इनकम। लेकिन जब एक बैंक से आप लोन ले रहे हैं तो वो लोन भी तो कहीं जाके किसी और बैंक में डिपॉजिट होती है, और फिर उस बैंक से जब कोई और लोन लेता है वो लोन भी तो ट्रांजैक्शन वाइज देखा जाए तो किसी और बैंक में जाके डिपॉजिट होगी। इसका जो प्रोसेस है इसको कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व। फ्रैक्शनल रिजर्व क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इस पैसों का जो हर बैंक में डिपॉजिट होता है उस पैसे का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा भाग बैंक को अपने एज पर रेगुलेशंस, एज पर लॉ, अपने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि जो एज पर लॉ बैंक ने अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करनी चाहिए वो, एंड जो कैश रिजर्व रेशियो है कि बैंक के अंदर कैश रहे, इस टाइप का जो रेशियो है, ये चीजों को लेके बैंक हमेशा हमारा वो अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करके चलती है। इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। इंडिया में CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो जनरली होता है 3 से 4% के बीच, मतलब बैंक कैश इतना अपने पास में रखती है, और SLR दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी सरकारी बॉन्ड्स में बैंक इन्वेस्ट करती है, पकड़ लीजिए 19 से लेके 21% के बीच। जनरली दिस इज व्हाट इंडिया इंडिया रूल्स जनरली ये रूल्स इंडिया में अप्लाई होते हैं। तो यदि हम पकड़ के चलेंगे ये दिस इज अबाउट मे बी 25% और सो टोटल, ये 20% और ये 4% या 21% और 4% यदि हम हायर साइड भी पकड़ लेते हैं तो इट इज जनरली बिटवीन 20 to 25% बैंक को मेंटेन करना चाहिए अपने CRR या SLR में। क्यों? ताकि यदि डिपॉजिटर्स बैंक में आए और कहें हमारा पैसा दे दीजिए जी, सो बैंक शुड ऑलवेज हैव दिस लिक्विडिटी और रादर दिस लिक्विडिटी इन कैश टू गिव द पीपल हु कम इन। अब बैंक वन, इसमें आपने डिपॉजिट किया 100 रुपया, 100 रुपया का बैंक वन ने क्या किया, 20 रुपया रख लिया एज CRR प्लस SLR और बैलेंस 80 रुपीज लोन आउट कर दिया। ये चला गया बैंक टू में, बिकॉज एक बैंक से ट्रांजैक्शन दूसरे बैंक में जाएगा। यहां ये वापस इन्होंने क्या किया, 20% CRR SLR को अलग किया और 80% ये आगे ले गए, राइट? ये चला जाएगा बैंक थ्री में एंड सो ऑन। तो ये जो 80% आगे जा रहा है, आप देख रहे हैं कि ये 100 रुपये का 80% चला गया, फिर 80 रुपये का वापस 80% चला गया, फिर जो बचेगा उसका वापस 80% चलाएगा जाएगा। तो इसमें ये 100 रुपया इंटू जो रेशो है इसका, दैट विल इक्वल द फ्रैक्शनल रिजर्व आउटपुट। आप समझ गए? तो नॉर्मली इसका फॉर्मूला यदि कैलकुलेट करना होता है तो इट इज 100 डिवाइडेड बाय या 1 डिवाइडेड बाय जो भी रिजर्व रेशो होगा वो। तो इफ रिजर्व रेशो इज 20, इट विल बी रिजर्व और 20 रुपीज, दो इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 20
So you will end up getting a sum of 5, which means that 5 into 100, about 500 rupees will get created as credit due to this system. If you invest 100 rupees, आप 100 रुपए यदि सिस्टम में डालेंगे तो उसका एक्चुअल क्रेडिट 500 रुपए होगा। अब आप गौर कीजिए, जब मैंने पिछले बैंक रन के चैप्टर में पढ़ाया था, इनकेस ये रिवर्स हो जाता है तो ये 500 रुपए वापस रिवर्स में चलेगी। दिस विल गो इन बिकम अ रन इन टू दिस बैंक, विल गो एंड बिकम अ रन इन टू दिस बैंक, विल गो एंड रन इन टू बिकम अ रन इन टू दैट बैंक, एंड जो डेफिसिट है वो 100 रुपीज का, वो बैंक लाएगा कहां से? वो नहीं ला पाएगा। इसको कहते हैं बैंकिंग सिस्टम की फेलियर या बैंकिंग सिस्टम का कोलैप्स, और ये हुआ है कई दफा, ये हो जाता है। दैट इज द रीजन व्हाई बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए एक फेडरल रिजर्व या एक RBI वगैरह जैसे अथॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। ये सारी चीजें आप गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा कि गूगल में काफ़ी सारी चीज़ें समझाई नहीं जाती, एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअली थोड़ा समझाना मुश्किल पड़ जाता है। आप यदि गूगल कर देंगे फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, तो यू विल गेट सम रिजल्ट्स लाइक दिस मेनी टाइम्स, लेकिन ये रिजल्ट्स जो होते हैं ये थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। आई विल स्टिल एडवाइज यू कि आप ज़रूर पढ़िए इन सब चीज़ों को, और पढ़कर कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया है संक्षिप्त में, इसमें यदि आप मुझे कुछ फीडबैक दे सकते हैं, आपके कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट्स में जोड़िए। मैं कोशिश करूंगा कि सारे सारे टॉपिक्स कवर करते हुए हम चलेंगे, एंड वी विल ट्राई एंड डू अवर बेस्ट टू गिव यू एज मच ऑफ एन ओवरव्यू ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स एज पॉसिबल। थैंक यू वंस अगेन, दिस इज इनफ फॉर नाउ। आई विल कम अगेन नेक्स्ट टाइम एंड टीच यू हाउ मनी इज क्रिएटेड विद ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बाय बाय।